ऑफ यू सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान हिंदी की लाइव मॉक टेस्ट नहीं, लाइव मैराथन क्लास चलती है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए भाई, मैं ऑलरेडी कुछ मिनट लेट हूँ, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सभी लोग जुड़ जाएँ, सभी को गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, कुछ लोग इंतजार करके चले गए होंगे, तो भाई सभी को बुला लो, शेयर कर दो क्लास को। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर क्लास का लिंक आपको टाइम से मिल जाता है, ग्रुप क्विज वगैरह भी होता है और ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ग्रुप मिल जाएगा एक पूरा बीएड एंट्रेंस का, तो वहाँ पर आप सबसे मिलजुल कर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो बीएड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूज़र आईडी है, सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से भी जाकर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन है। एक कमेंट सेक्शन में सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, और वैसे वहाँ पर टाइम मिलता है तो आप सभी को रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, समय बचा है कम, 20 दिन आपके पास समय बचा, और समय है प्रैक्टिस सेट करने का, ठीक है। थ्योरी बुक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा लगाइए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर कोई प्रैक्टिस बुक रेकमेंड करिए जिसमें 10-15 प्रैक्टिस सेट अच्छा खासा हो जो एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ दी बेस्ट बुक होने वाली है, उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ये वन ऑफ दी बेस्ट प्रैक्टिस बुक होने वाली है। ये इसका कवर पेज है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 4300+ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, वो भी डिटेल सोल्यूशन के साथ में। 600 पेपर दिया गया 2017 से 2022 तक का, और 15 प्रैक्टिस सेट टोटल दिए गए। 15 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम आपको लगाना ही चाहिए परीक्षा से पहले। तो इस बुक को आप खरीद सकते हो अपने नजदीकी बुक स्टॉल से, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो इजीली, इसको 2-3 दिन में घर पे आ जाएगा आपके। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपके लिए बीएड एंट्रेंस की गाइड बुक भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की। इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित शासकीय सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। इस वक्त मैं डेली आपको 2-3 क्वेश्चन पत्र लेखन से करवाता हूं, क्योंकि पत्र लेखन हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है और पत्र लेखन से प्रश्न बनते भी हैं परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दें आप सभी लोग, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग शेयर करिए, बहुत बढ़िया। रोली वेरी गुड, रवीना वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ममता, अमन वेरी गुड, शुभम बहुत अच्छा, मोनिका वेरी गुड, सभी लोग शेयर करिए क्लास को। पंकज बहुत अच्छा, महिमा वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या हो जाएगा, एक अड़तर हो जाएगा, उसको अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परिपत्र नहीं कहते हैं, परिपत्र नहीं कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्या कहते हैं? अधिसूचना कहा जाता है मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर करिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? 2 नंबर का जवाब बताओ सभी लोग। ज्योति शर्मा वेरी गुड, पारुल वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रियांशु बहुत बढ़िया, वर्षा वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ब्यूटी वर्मा बहुत अच्छा, प्रशांत राजभर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अर्षद वेरी गुड, नमन सिंह बहुत अच्छा। सभी लोग शेयर करें क्लास को, संख्या बहुत कम है आज क्लास में। अंकित कश्यप वेरी गुड, डीडी राठौर बहुत बढ़िया। 2 का सी का उत्तर हो जाएगा भैया, स्वर, स्वर बिल्कुल सही है ना, कंफ्यूज हो आप लोग, कुछ लोग व्यंजन बता रहे हैं। बिना किसी अवरोध के के बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं भैया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कंठ वर्ण सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप सब लोग। तीन नंबर का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ वर्ण है। अगला 4 नंबर देखिए, निम्न में से तालब ध्वनि कौन सी है? तालब ध्वनि बताइए। चंद्रा बहुत अच्छा वेरी गुड, आरती, सोनम खान, पूनम, कल्पना वेरी गुड, पूर्णिमा, पूजा, ममता, अंकित बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आया भैया, तालब ध्वनि पूछी गई थी ना यहां पर। तालब ध्वनि कौन सा हो जाएगा? 4 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया। यहाँ पर आपका जो शाह है ये तालब ध्वनि है। काफी कंफ्यूज हो आप लोग वर्णमाला को लेकर, वर्णमाला अच्छे से पढ़ लो भैया, वर्णमाला से कई सारे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। अगला है 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भोजनालय, बिल्कुल सही जवाब है, भोजनालय क्या हो जाएगा? स्वर संधि है इसमें, भोजनालय में स्वर संधि है, बहुत अच्छा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, 6 का उत्तर दीजिए। और जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डेली सुबह 8 बजे मॉर्निंग में मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज, जिसमें मैं एक टॉपिक रोज उठाऊंगा, उससे 30 से 35 क्वेश्चन जो संभावित है डिस्कस करूंगा। तो कल से क्लास शुरू होने वाली है, कल सुबह 8 बजे दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस जो महत्वपूर्ण है 30-35 क्वेश्चन, उसकी एक 12 से 15 मिनट की क्लास अपलोड करूंगा सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। जब भी उठना आप लोग देख लेना, दिन भर में जब भी समय मिले उस वीडियो को देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डेली 8 बजे आपको देखना है, आप समझ में आ गया ना, कल सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, देखना जरूर उसको। 6 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। अगला है 7 नंबर, देखिए हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, तो प्रहार में देखिए व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रा लगा हुआ, तो केवल प्रा पे है, पूरे पे प्रहार शब्द पे नहीं है रेखा, केवल प्रा पे रेखा है, तो प्रा क्या है यहाँ पर, 7 नंबर का उत्तर बताऊं, 7 का राइट आंसर। यूट्यूब पर प्रियंका जी, यूट्यूब पर ही 8 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास अपलोड होगी, टॉपिक रहेगा दिवस, महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय लेवल के जो दिवस होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वैसे तो हर महीने में अगर देखा जाए ना, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में 10-10, 15-15 दिवस पड़ते हैं, लेकिन उतना हमें नहीं रटना है, केवल जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। 7 का सी का उत्तर हो जाएगा उपसर कहेंगे इसको, हार में प्रा लगा के प्रहार हो गया, तो अर्थ बदल गया ना, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या है, प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए राम राम अनर्थ हो गया, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए, 8 नंबर का उत्तर दीजिए। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए ना, चलिए। आप लोग शेयर भी कर दो भाई क्लास को, आप सभी लोग शेयर करिए क्लास को, बिल्कुल 300 प्लस लाइव वॉचिंग होनी चाहिए आज क्लास में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पंकज, प्रतीक्षा वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब सभी ने दे दिया उत्तर, 8 का भी हो जाएगा भैया, राम राम अनर्थ हो गया, क्या हो जाएगा यहां पर इसमें, 5 का उत्तर, 8 का उत्तर क्या हो जाएगा। अब विस्मयाद बोधक कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग शोक बोधक बता रहे हैं, कुछ लोग यहां पर घृणा बोधक बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, घृणा बोधक अव्यय है ये, क्या है, घृणा बोधक अव्यय है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, अमूल्य, अमूल्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा आपका यहां पर, तत्सम हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए सभी लोग। दस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही है, आंसू, आंसू जो है आपका तद्भव है, क्योंकि अश्रु होता है इसका, ठीक है, तत्सम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, भाई 11 नंबर का उत्तर बताओ सबसे पहले, कौन आंसर करेगा, चलिए बताइए, नैन्सी बहुत अच्छा, मोनी वेरी गुड, शिखा, अंकित वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आ रहे हैं नूर जहां, अंशिखा वेरी गुड, सभी लोग जवाब दें क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। ग्यारह नंबर का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्र जो यहां पर आपका दिया गया है ये अर्ध तत्सम है, क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम सभी को मालूम है ना, जो ना तत्सम में रहते हैं ना तद्भव में रहते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा तो बदलाव होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि उसको तद्भव में रखें, और थोड़ा सा हो जाता है इसलिए ना ही वो तत्सम में रह जाता है, तो बीच का हो जाता है वो, ठीक है, जैसे अक्षर शब्द है, तो अक्षर शब्द भी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो, सॉरी अर्ध तत्सम हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, बताइए कौन सा फारसी शब्द नहीं है यहां पर, कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना, सब लोग एक बार क्लास को शेयर करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, संख्या बढ़ाइए, लाइक की संख्या कम है, पूनम बहुत अच्छा वेरी गुड, ललित वेरी गुड, लक्ष्मी, दीपिका, कृष्णा वेरी गुड,
आरके कश्यप, कमलेश, रेखा, 12 नंबर का जवाब ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा इस्तीफा। इस्तीफा जो है फारसी शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 12 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तेरह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, विशेषण है। विशेषण है सुहावना, क्या है विशेषण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। तो यह कौन सा, यह का भेद कौन सा है भैया, 14 नंबर का उत्तर बताइए। चलिए भाई, चलिए नैन्सी करिए सर, थोड़ा स्लो स्पीक करो। अच्छा बढ़िया, चलिए ठीक है। 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का एक उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह निश्चित है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, 15 नंबर का जवाब दीजिए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्रशांत, वेरी गुड। आजाद सिंह, बिल्कुल सही जवाब। आंचल, वेरी गुड। जूही, शेयर भी करिए क्लास को सब लोग। 220 लोग आ चुके हैं, 300 लाइव वॉचिंग का टारगेट है भैया, पूरा करवाइएगा। बिल्कुल 15 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवा जो है ये विशेषण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय बताइए, अव्यय पद कौन सा है। 16 नंबर का उत्तर, पूनम यादव सर जल्दी कराइए, मुझे खाना बनाना है। अब बताओ भैया, अब क्या करें हम, हाँ किसी को खाना बनाना है, कोई कहता जल्दी पढ़ाओ, कोई कह रहा धीरे पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का सी का उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो सुंदर क्या है भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, 17 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। शालू केशरी, वेरी गुड। अरे अब सबको खाना बनाना है, अब सब कह रही है हमको खाना बनाना है। वाह भैया, 17 नंबर का जवाब डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर दिख रहा है तो ये विशेषण है, ठीक है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका गुण बताया जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। सिर्फ एक काम रह गया है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो सिर्फ को पहचानना है भैया, 18 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। अंजू कुमारी कह रही है हमको खाना है बनाना नहीं है, सही है। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा भाई, निपात है, ठीक है, आपको निपात भी मैंने बताया था। 18 का क्या हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, अनल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भैया, अनल का पर्यायवाची बताइए, 19 का उत्तर दीजिए। लेकिन लड़कियों की तो भाई दाद देनी पड़ेगी, आप लोग पढ़ रही हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर के काम, लड़कों का तो हो जाता है ठीक है, उनको टाइम मिल जाता है, लेकिन लड़कियों सारी जिम्मेदारी के साथ में करती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाई, ठीक है, तो उनको वाकई में पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना चाहती हैं वो, तभी कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ का। 19 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा अग्नि। अग्नि अनिल का हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा, और जब अनिल रहेगा, जो अनिल है, अनिल वायु का हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए आज अमावस्या है, क्या हो जाएगा, आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाएगा। तो अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए फटाफट, वेरी गुड, सभी लोग शेयर भी करें क्लास को भाई, 20 नंबर का उत्तर बताएं सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 20 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, पूर्णिमा कहेंगे उसको, क्या हो जाएगा, पूर्णिमा बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बताओ। चलिए 21 का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा नीरज और नीरद, क्या हो जाएगा, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, तो नीरज और नीरद यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए 22 नंबर है, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में रहने होने के कारण दुखी हो, एक शब्द क्या होगा उनके लिए, 22 नंबर का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का बी बिल्कुल का उत्तर हो जाएगा वियोगनी, वियोगनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ये बी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी और जल तो ये समानार्थी हो जाएगा ना, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सही का यहाँ पर सही पूछा गया है, क्यों बता रहे हो आप लोग बी, बी कुछ लोग कह रहे हैं बी सही है, बी कैसे सही है, जोड़ा सही है पूछा गया है, ठीक है, तो समानार्थी है, तो फिर इसमें पूछा था समानार्थी कौन सा है, तो यही फिर सही होगा समानार्थी के हिसाब से, ठीक है, यही यहाँ पर सेंटेंस जो है क्वेश्चन ठीक से पुट नहीं किया गया है, ठीक है, तो चलिए ठीक है बिल्कुल, अगर यहाँ पर समान अर्थी पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपका समान अर्थी आपका बी वाला ही है, सिर्फ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर पूछा गया है, चलिए कोई नहीं। 22 नंबर देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का बी का उत्तर हो जाएगा वियोगनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके भरोसे पर हूँ रेखांकित शब्द क्या है, आपके भरोसे पर हूँ तो भरोसे क्या है यहाँ पर पूछा गया, 23 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा विषयवाचक शब्द है, क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बी का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, जल्दी से बताओ, को जो है भैया ये किसकी विभक्ति है, 24 का उत्तर बताइए, 250 लोग क्लास में आ चुके हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत बढ़िया संध्या वेरी गुड, पिंकी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रतीक्षा, अमन वेरी गुड, चलिए वंदना जी बिल्कुल, बहुत फास्ट नहीं करा सकता हूँ क्योंकि कुछ लोग को दिक्कत होने लगती है और सुनाई भी नहीं देता है ठीक से ना, फिर वो जल्दी जल्दी गलती भी हो जाती है, तो थोड़ा सा ठीक है समय निकाल लीजिए पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, याद रखने का ट्रिक है ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म को हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वधु वधु का बहुवचन रूप होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब, वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए सब लोग, बहुत बढ़िया मयंक वेरी गुड, उत्तर हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा वधुएं हो जाएगा, वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई, वधुएं हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, वाक्य का वाच्य होगा, 26 नंबर का उत्तर बताओ, बहुत अच्छा, एक लाइक की कमी रह गई है 100 लाइक कंप्लीट होने में, कोई एक लकी स्टूडेंट क्लास को लाइक करके 100 लाइक कंप्लीट करवाएंगे भाई, अब वो लकी स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं, देखिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सपोर्ट करिए, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो जरूर सपोर्ट करें आप एक लाइक करके। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आपका ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया भाववाच्य भैया, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाच्य है, भाववाचक है। अगला देखिए 27 नंबर, वहां आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, 27 का जवाब दो, सत्ताईस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेतु 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 मद
भविष्य काल हो जाएगा ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, 28 का जवाब दीजिए। ट्वेंटी एट का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन हो जाएगा? रीति का, रीतियां हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आपको उच्चारण तो पता है रीतियां होता है इसका बहुवचन, लेकिन आपको वर्तनी भी सही आनी चाहिए, वरना अगर वर्तनी नहीं पता तो इनमें से भी कोई टिक करके चले आओगे तो उत्तर पता होते हुए भी आपको गलती कर हो जाएगी आपसे। अगला देखिए 29 नंबर, देखिए सीटी बिल्कुल सी वाला सही है, वर्तनी सही रीतियां का। चलिए देखिए, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक में कौन सा प्रकार है, उत्तर दीजिए 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, और लगा है ना यहाँ पर, साफ पता चल रहा है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, संयुक्त वाक्य है। अगला है 30 नंबर, देखिए दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, 30 नंबर का उत्तर बताओ। चलिए भैया बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य है, दीर्घायु हो ये एक इच्छा प्रकट की जा रही है, इच्छार्थक वाक्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सा हिस्सा त्रुटि है यानी गलत है। तो चलिए भैया देखिए, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो देखिए भैया, मैंने जब पढ़ा ना तो कहीं आपको तुरंत पता चला होगा कि कुछ तो कमी है यहाँ पर, वो पार्ट आपको पता चल गया होगा। तो देखते हैं भैया, ऑप्शन ए गुजर गई है में गलती है, एक हिस्सा बनकर में है गलती है, आधुनिक परिवार में कोई गलती है, या जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ये वाला जो बताया गया किस में गलती बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, सभी लोग क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जूही सिंह, क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे, कल से 8 बजे भी क्लास अपलोड होगी तो मैंने इंक्लूड कर दिया इसको, सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे सुबह और शाम 7 बजे, तीन क्लास चलती है आप समझ लो कल से। 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गुजर गई नहीं है, गुजर रही है, गुजर रही है होगा, तो आपका किस में गलती है, ऑप्शन ए में गलती है भैया, गुजर रही है होगा ना, सही है बिल्कुल, तनाव से गुजर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, सेंटेंस को 2-3 बार रिपीट करो, पढ़ो खुद से, समझ में आएगा गलती कहां पर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अशुभ बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, पर रेखांकित चिन्ह है एक, ये क्या है भैया, कौन सा चिन्ह है, 32 का जवाब। मंजीत भाई, सुबह 8 बजे, फिर सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, तीन क्लास चलती है, बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे। कुछ लोग केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल का आइकन नहीं ऑन करते हैं, तो बेल आइकन का मतलब होता है कि नोटिफिकेशन आना या ना जाना, तो जब आप उसको ऑन कर लोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपके फोन में, तो मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन किया है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, तुल्यता सूचक हो जाएगा, ठीक है, तुल्यता सूचक हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये जो है ये दो डंडी खींच जाएगी तो तुलना की जा रही है एक दूसरे से। अगला देखिए 33 नंबर, संयोजक चिन्ह का एक कौन और एक नाम बताओ भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर शेयर करिए। 300 आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा लग रहा है, 250 लाइव वॉचिंग कंप्लीट हुआ है। थर्टी का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं इसको, योजक संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अगला है 37 नंबर, देखिए 34 नंबर देखिए, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, कुछ लोगों के तो सुन के भी आ गया होगा है ना। तो चलिए भैया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, 34 नंबर का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कैंसर हो जाएगा, लालच होना। ठीक है, लालच मत करो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, चलिए सभी दिन होत न एक समान, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब बताओ, एक लोग ये जो कट गया कर रहे हैं ना, कई दिन से देख रहे हैं, हम बहुत अच्छे से काट देंगे बेटा, सुधर जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का एक उत्तर हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है, सब दिन होते ना एक समान, यानी सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में 36 नंबर का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत बढ़िया अमित भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड प्रभा, अपर्णा वेरी गुड, रवीना, अंजू, तवश्युम वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, अनिर्वाचनीय। क्या कहेंगे, जिसे जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वाचनीय। अब अनिर्वाचनीय का आपको वर्तनी भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, तो 3 घंटे करना क्या है वहां पर, यही तो देखना है आपको, एग्जाम हॉल में आपको बहुत समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर में, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें क्या करना है, इसमें कोई गणित तो रहेगा नहीं, इसमें पेपर वन में बहुत टाइम बचता है, ठीक है, 2 घंटे भी लगा दोगे ना, तब भी 1 घंटा आप बैठ कर मक्खी मारोगे वहां पर, तो इससे अच्छा है वर्तनी को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, 37 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल बी का उत्तर हो जाएगा, नल। नल जो है ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है, पानी, नीर और अंबु ये सभी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है, चलिए भैया बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, 38 का उत्तर दीजिए। 270 लोग आ चुके हैं क्लास में, और आप सभी लोग सपोर्ट करिए ताकि ये 300 संख्या बदल जाए, भैया 300 हो जाए, शेयर कर दो सब लोग क्लास को जल्दी जल्दी। थर्टी एट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बघेली भैया नहीं है, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी में नहीं आता, बांगरू आता है, बुंदेली और कन्नौजी ये आपका हो जाएगा, लेकिन जो बघेली है ये नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं टोटल, 39 का जवाब बताओ। थर्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18। कितने हैं टोटल, 18 बोलियां हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। युवराज बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शिवम बहुत अच्छा, ब्यूटी वर्मा, ब्रजेश, राहुल, अरविंद, नेहा, अंकित वेरी गुड, जूही बहुत बढ़िया, संध्या, शालू, 40 नंबर का जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है, देखिए भैया चलो सेंटेंस है, साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स, क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, 280 लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग शेयर करें, 20 लोगों की कमी है भाई, बहुत छोटी सी कमी है आप सबके लिए, ठीक है, सब लोग मिलकर शेयर कर दोगे ना तो बहुत लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं युवराज भाई, कोई बात नहीं।
बिल्कुल सोनाली जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। सही अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब 42 नंबर का उत्तर, जितने हमारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, क्या हो जाएगा? ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है सेंटेंस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, अष्टछाप के कवि नहीं है कौन से? क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दें आप सब लोग, 47 का उत्तर क्या हो जाएगा भैया बताइए। सभी लोग लाइक करके जाना क्लास को भाई, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभादाश। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, एक उत्तर हो जाएगा बिहारी, बिहारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए, चलिए बताइए कौन सा सही जोड़ी है। एक तरफ दिया गया रचनाकार और एक तरफ दिया गया रचना उनका, तो सही जोड़ी मिलान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब बताओ। आज तो भाई नहीं पूरा हो पाया 300 लाइव वॉचिंग, 280 तक आए फिर आप लोगों ने शेयर ही नहीं किया, कोई बात नहीं। 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत चिदंबरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला और अंतिम प्रश्न आज की हमारी इस क्लास की, क्वेश्चन नंबर 50 है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दें, और ये अंतिम प्रश्न है आज की हमारी इस क्लास का। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करके जाना जिसने नहीं किया है, और चैनल पे जो लोग नए हैं और पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलने लगे। और आज मैं आपको अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि कल से आपको सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज ये क्लास मिलेगा, और उस टॉपिक में आपको उस टॉपिक के केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जितने भी दिन आपके बचे हैं 15-20 दिन, इस तरीके से मैं 15-20 टॉपिक आपके क्लियर करने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के मैं आपको निचोड़ अलग अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिवस, और दिवस में दो तरीके के दिवस पूछा जाता है, एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस लेवल और एक पूछा जाता है राष्ट्रीय लेवल का दिवस। ठीक है, दोनों मिक्स क्वेश्चन में करवाऊंगा, 30 से 35 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सुबह 8 भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का रहेगा। उस वीडियो को देखेगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, उसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्लास को देखना, सुबह 8 भी आएगा। 50 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को एंड तक देखने के लिए, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है भैया, अभी भी वक्त है, पढ़ लो थोड़ा बहुत, अच्छा अंक आ जाएगा। कम से कम इतना अंक ले आओ कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए, आपके मनपसंद कॉलेज मिल जाए। ऐसा ना हो किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में, तो आप एडमिशन लेना पड़ेगा या तो आपको साल बर्बाद करना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल पढ़ लो बचे हुए दिनों में, वरना पछताना पड़ेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारा कंप्लीट पैकेज का नोट खरीद सकते हैं, जो आपको 20 दिनों में अच्छी तैयारी करने में हेल्प करेगा। नंबर आपको सामने दिख रहा है, मात्र 175 पे करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक हिंदी, जीके, रीजनिंग और स्ट्रीम सब्जेक्ट के बिल्कुल टॉपिक वाइज सारे नोट्स अरेंज करके मिलेंगे, और 10 साल का पेपर भी अलग से मिलेगा विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो देर मत करो भैया, पढ़ लीजिए, अंक आ जाएगा अच्छा, तो अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल अगली क्लास सुबह 8 बजे में।